आज इस प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान जी, हमारे नवनियुक्त प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी जी, जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के अध्यक्ष शोर है बार जितेंद्र चौधरी जी, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं आप लोगों को जनहित से जुड़े मुद्दे, पार्टी के मुद्दों पे आप लोगों से बात करता रहा हूँ और आज मेरे लिए ये गौरव का विषय कि मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आप लोगों को संबोधित करने का मौका मिल रहा है। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो सहयोग आपने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दिया, वो सहयोग मुझे भविष्य में भी मिलता रहेगा। हालांकि पहले की भांति मैं बहुत ज़्यादा शिमला में मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि राष्ट्रीय दायित्व है, जहाँ भी मेरी दिल्ली में जिम्मेवारी होगी वहाँ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी साथियों को कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं शिमला में हूँगा, किसी भी मुद्दे पर आप मुझसे बात करना चाहो मैं खुशी खुशी सहर्ष आप लोगों से भविष्य में संगठन के मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आप लोगों से बातचीत करता रहूंगा। जैसा यहाँ कहा गया कि आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है उसका विषय देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल शिमला आ रहे हैं और 8 वर्ष का जो उनका कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल के जश्न की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है और कल प्रधानमंत्री मोदी शिमला में आकर 8 वर्षों का जो लेखा जोखा है उसका बखान करेंगे। हम स्वागत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, शिमला आए, हिमाचल आए, उनका स्वागत। मेरा प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न है जो आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि ये 8 वर्ष का जो जश्न आप शिमला में मना रहे हैं इसका औचित्य क्या? दिल्ली देश की राजधानी है, अगर आप दिल्ली में इस जश्न का आयोजन करते तो पूरे देश से पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां आने का मौका मिलता, लोगों को मौका मिलता, लेकिन हिमाचल में क्यों? ये प्रश्न है। जवाब भी बहुत आसान है, हिमाचल इसलिए
कि हिमाचल में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले, इस जश्न का मकसद साफ तौर पे हिमाचल के विधानसभा चुनाव को लेकर, और 8 वर्ष का जो आपका समय रहा, एक नारा उस वक्त जो गूंजता था हर गली मोहल्ले में, बड़े बड़े बैनरों में लिखा जाता था, शायद आपको याद होगा, अगर आपकी स्मृतियों से कहीं विलुप्त हुआ हो तो मैं वो धूल हटाना चाहता हूं। 8 वर्ष पूर्व जब आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का, उस वक्त नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपए पर डॉलर का वार, और अब की बार मोदी सरकार। यह नारा हर जनसभा में गूंजता था और देश में अच्छे दिन लाने की बात होती थी, और आज हम बड़े संक्षिप्त में विश्लेषण करना चाहते हैं। अगर हम विस्तार में जाएं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, मैं समय बचाना चाहता हूं। अच्छे दिन तो कहीं नजर आ नहीं रहे, दूर तो दूर तक नजर नहीं आ रहे, और आज महंगाई चरम सीमा पे, गरीब लोगों की बात छोड़िए, जो मध्यम वर्ग भी है उन्हें भी 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, खाने की हर चीज महंगी, और उसके अलावा रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी, कपड़ा महंगा, मकान बनाना महंगा, जिस हिसाब से स्टील, घर ईंटें, सीमेंट, रेत और घर के काम आने में जो भी सामान है वो महंगा, मकान बनाना मुश्किल, और दिन प्रतिदिन महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही, और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, और जब चुनाव का समय आता है थोड़ा कम हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीका है, हम कह सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दामों में सेल लगी है। आपने देखा होगा अक्सर दुकानों में सेल लगती है, 25% की छूट, 50% की छूट, यही डीजल और पेट्रोल के साथ हो रहा है। चुनाव का समय आता है सेल छूट, जिस दिन वोट आखिरी वोट गिरता है फिर से शुरू। लोगों को भ्रमित और बेवकूफ करने का प्रयास, और रोजगार की बात मैं कहूं, भारत युवाओं का देश है, हमारी जो औसत आयु है 28 वर्ष है, हम कह सकते हैं विश्व में
भारतवर्ष एक युवा देश के रूप में जाना जा रहा है और युवा बेरोजगार। चुनाव से पूर्व एक बहुत लुभावना वायदा मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार, 5 सालों में 10 करोड़ और अब तो 8 साल हो गए, कम से कम 16 करोड़ तो बनता है। इससे 2 गुना रोजगार छीने गए, युवाओं की छटनी हुई है, खासकर उस समय जब कोविड था। कहाँ है युवाओं को रोजगार? और जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो लगातार गिर रही है, जीडीपी गिर रही है। और एक वक्त ऐसा आया कोविड के समय कि हम -24 तक पहुंच गए थे, अभी थोड़ा सुधार हुआ लेकिन अभी भी क्रम जारी है। आर्थिक व्यवस्था बदहाल, नोटबंदी की जो मार पड़ी उसे लोग आज तक उभर नहीं पाए। आपने कहा था जब आपने नोटबंदी लागू की इस देश में कि अगर मेरा फैसला गलत होगा तो किसी भी चौराहे पर आप मुझे सजा दे सकते। अब देश के प्रधानमंत्री, फैसला तो आपका गलत हो चुका है, आप भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन सजा कौन देगा? सजा जनता देगी आने वाले चुनाव। और आज ऐसी परिस्थितियां देश में बन रही हैं कि जो हमारे वित्तीय संस्थान हैं, हमारे बैंक हैं, उनका निजीकरण किया जा रहा है। पहली बार हुआ आपके शासन में जब रिजर्व बैंक से 1,75,000 करोड़ आपने छीने। देश में परिस्थितियां पहले भी कई बार ठीक नहीं रही लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक से पैसा नहीं निकाला। और डॉक्टर मनमोहन के समय जब वो प्रधानमंत्री थे देश के, विश्व मंदी का एक दौर चला था और हमारा देश एकमात्र ऐसा देश था जहां उस मंदी का असर नहीं हो, क्योंकि आर्थिक नीति थी कांग्रेस पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री की। और आज कोई आर्थिक नीति आपके पास नहीं। श्रीलंका में जो हुआ उससे हमें सबक लेने की जरूरत है। पूरी अर्थव्यवस्था टूट गई, लोग सड़कों पे आ गए, दंगे फसाद होने लगे, हालांकि वहां जो शासक थे उनको बदला गया, लेकिन आज भी श्रीलंका में परिस्थितियां ठीक थी। ये चेतावनी है प्रधानमंत्री मोदी जी, ये चेतावनी है आपको, केंद्र सरकार को। क्या हम उन परिस्थितियों की तरफ तो नहीं जा रहे? ये सोचने का विषय। लेकिन क्या इस पे सोचा जा रहा? किसानों की आय दुगनी करने की बात थी लेकिन यहां तो आमदनी कम हुई। आप सेना के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, देश में विकास जो है बंद पड़ा और एक नया फार्मूला निकाला है आप, लोगों का ध्यान हटाने के लिए
देश में एक नफरत का माहौल तैयार हो रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है, गड़े बुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ताजमहल पहले मंदिर था, कुतुब मीनार में पहले मंदिर था, तरह तरह की बातें जो जानबूझकर फैलाई जा रही, ये एक प्रयास है कि बुनियादी और जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं से देश का ध्यान जो है हटाया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से चीन ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया, हमारे सैनिक शहीद हुए, और अभी भी अतिक्रमण जो है जारी है। तो मेरा ये कहना है कि इन 8 वर्षों में जो कुछ हुआ वो देश के सामने, और कोविड के समय में जो कुप्रबंधन था उसे पूरे विश्व में भारत का जो नाम है बदनाम हो। दवाइयां नहीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, पहली बार हमने अस्पतालों की सीढ़ियों में बगैर ऑक्सीजन के मरीजों को दम तोड़ते हुए देखा। ये बातें याद रहनी बहुत जरूरी हैं। पहली बार हमने देखा है कि मजदूर बगैर किसी साधन के पैदल अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, महिलाएं, छोटे बच्चे। पहली बार हमने देखा है कि जब इतनी मौतें हुई शमशान घाट में जलाने को जगह नहीं, लोगों ने उठा के शव नदियों में फेंक दिए। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना इस देश में नहीं हो सकता। ये रिकॉर्ड पे हम बोल रहे हैं, और जिन लोगों की मौतें हुई, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए था सरकार उसे पीछे हट गई। सरकार ने कोर्ट में इनकार कर दिया कि हम इस परिस्थिति में नहीं। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी आपने खत्म कर दिया। 3-8 वर्षों में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं। हिमाचल आ रहे हैं, अब इस पर भी हम थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। बहुत बार बातें हुई, जब भी आप आए लोगों को बहुत सारी आशाएं आपसे थी, क्योंकि पूर्व में जब कांग्रेस का शासनकाल रहा इस देश में, जो भी प्रधानमंत्री यहां आए हिमाचल को कुछ ना कुछ सौगात देकर गए। लेकिन पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आए, मंडी आए तो सेपू बड़ी की तारीफ की, शिमला के आसपास आए तो सिड्डू की तारीफ हुई, कांगड़ा गए तो मदिरा की तारीफ हुई। उसे ज्यादा आपने कुछ किया नहीं। आज 70,000 करोड़ से ज्यादा हम पर कर्ज है। क्या प्रयास किया आपने? हम बार बार कहते आए कि आप कोई जो है पैकेज देते, आपने घोषणा की कि शिमला से हवाई जहाज चलेगा, और चप्पल पहनकर भी जो चप्पल वाला व्यक्ति है वो भी उस पर सफर करेगा। ना नौ मन तेल, ना ही राधा नाचे, ना वो हवाई जहाज,
ना चप्पल पहनने वालों को वो मौका आपने जो है दिया है। आपने अपने एक दौरे में बहुत आकर्षक बात कही कि जो एप्पल जूस है उस एप्पल जूस को हम कोक और पेप्सी में 2% की मात्रा उसमें मिलाए। इतना बड़ा झूठ आप बोल के गए। हमने उस वक्त भी खंडन किया था कि जो कोक और पेप्सी है उनका अपना फार्मूला है, उस फार्मूले के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो है लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। नेशनल हाईवेज को लेकर लगभग 69 के करीब जो 60,000 करोड़ की आपने बात कही और बाद में आपने यू टर्न ले लिया, आपकी सरकार ने अब मुकर गए। ये चुनाव से पूर्व की बात थी, जब पिछला चुनाव हिमाचल का जो है होने वाला था और आपने एक वायदा और किया था, क्योंकि इस समय हमारा जो सेब उद्योग है 5,000 करोड़ का हमारा उद्योग है, आपने वायदा किया था कि हम आयात शुल्क 100% करेंगे, क्योंकि विश्व के कई देशों से यहां जो सेब आता है उस कारण हमारे जो सेब का मूल्य है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है उस वायदे पे कोई अमल जो है नहीं हो पाया। आप जब गत वर्ष यहाँ आए, रोहतांग टनल का आपने उद्घाटन किया और ऐसा लगा कि उस टनल को बनाने में केवल आपका योगदान है, अटल टनल। ये ठीक है कि अटल जी के समय में उन्होंने कुछ स्वीकृत किया, कुछ राशि स्वीकृत की, लेकिन उस टनल का जो शिलान्यास है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। और आपका दिल इतना बड़ा है कि जब आपने उद्घाटन किया तो शिलान्यास पट्टिका भी गायब कर दी गई, और आपको याद होगा हमने आंदोलन किया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पट्टिका सुरक्षित है, हम लगाएंगे, लेकिन अभी तक लगी नहीं। और उस टनल को बनाने में कांग्रेस सरकार का ही योगदान रहा है। अब न देश के लिए योगदान, न हिमाचल के लिए कोई योगदान। इतने बड़े जश्न का क्या औचित्य है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी आप आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा पैकेज हिमाचल को दे ताकि हिमाचल को कर्ज से जो है निजात मिल सके। और पूर्व में आपने जो भी वायदे किए जिनका मैंने हल्का सा खुलासा किया है उन वायदों पे अमल करें। हो सकता है आप कोई नई घोषणा करें, लगता है आप करेंगे? आपने पूर्व में भी लोक लुभावनी घोषणाएं की जो कभी मूर्त रूप नहीं ले सके, और ये लोग भी समझते हैं। जिस तरह से हिमाचल के मुख्यमंत्री आज पूरे प्रदेश में जाकर घोषणाएं कर रहे हैं, सबको पता चुनाव के दृष्टिगत ये घोषणाएं हो रही हैं,
ये चुनावी घोषणाएं ये अमल में होने आने वाली नहीं है। और अब आप उसके बाद आपका कार्यक्रम धर्मशाला का, कुल मिलाकर ये चुनावों को देखकर हो रहा है, क्योंकि 4-0 से जो आपकी बहुत बड़ी शिकस्त हिमाचल में हुई है, तो आज मुख्यमंत्री जी को लगता है कि अब चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी लड़ेंगे, इसलिए बार बार उनको लाया जा रहा है। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल आ रहे हैं, दो बातें आप जरूर करें। पहला, एक बहुत बड़ा पैकेज, और दूसरा आप माफी मांगे कि मैं जो जनता से मैंने वायदे किए थे वो वायदे मैंने पूरे नहीं किए, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं वो वायदे पूरे करूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोकतंत्र पर और प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, आप उस गरिमा को बनाए रखेंगे, ऐसी हमारी आशा है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इस संदर्भ में आप कोई प्रश्न पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, अभी आने वाले समय में जल्दी ही जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अभी परिवर्तन हुआ है, अब निश्चित तौर पे हमारी नई अध्यक्ष बनी है, जो भी रूपरेखा है वो जल्दी बनने वाली है। अभी 2 तारीख को मेरी जानकारी के मुताबिक जो जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था उसमें कुछ चर्चा हुई थी, तो 2 तारीख को पार्टी कार्यालय में संगठन की एक मीटिंग होने जा रही है। देखिए, इट इज वेरी ट्रेजिक कि आपने बगैर सोचे समझे जनता की वाई वाई बटोरने के लिए आपने जो सुरक्षा है वापस ले ली, वो तो गलती आपने की। दूसरा, आपने अपराध क्या किया कि जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली उन लोगों के नाम आपने सार्वजनिक कर दी। आई मस्ट से इट इज अ क्रिमिनल एक्ट, एंड ऑल दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दे शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द लैंड। देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि वो बताएं कि उस समय क्या किया, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे रही है, और कोविड के समय में जब तमाम बड़े नेता घरों के अंदर बैठे थे और ये मंत्री घरों में बैठे थे, मैं और मेरे साथी लोगों के बीच में थे, हमने खाद्य पदार्थ वितरण किए, जो लोग घरों में जाना चाहते थे, जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें घरों तक पहुंचाए, और 4 बड़े अस्पताल जो हिमाचल के, हमने जाकर वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए। और कोविड के समय में जितना बेहतरीन काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, सरकार तो कहीं नजर नहीं है।
देखिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करें, आय दुगनी किसानों की हुई नहीं। अगर आय किसकी बढ़ी है? अडानी और अंबानी की। अडानी पहले से ज़्यादा अमीर हो गए, किसानों की आय नहीं बढ़ी। और जब कोविड का समय चल रहा था, एकमात्र सेक्टर ऐसा था जिसमें फायदा हो रहा था, बाकी घाटे में जा रहे थे, वो था कृषि क्षेत्र। जब ये बड़े बड़े अडानी और अंबानी हैं, इनकी कुदृष्टि वहां पड़ी, तो एक बिल लाया गया। उससे बाद में किसानों ने आंदोलन किया, उसे कानून का रूप दिया गया। एक साल तक लगातार किसान दिल्ली के बाहर धरना करते रहे, प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जो है किसानों के साथ खड़े रहे। हमने भी उस वक्त हिमाचल में किसानों के समर्थन में आंदोलन की, क्योंकि उस कानून का मकसद उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल की जनता को, जो 4-0 से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त थी, उसके 2 या 3 दिनों बाद डीजल और पेट्रोल के दाम भी कम हुए और उस कानून को भी वापस लिया गया। जितनी जल्दी में वो कानून आया था, उसे ज़्यादा तेजी से वो कानून जो है वापस हुआ। किसानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब प्रधानमंत्री जी से बड़े पैकेज की बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा पैकेज हो सकता है, कुछ अमाउंट रखना चाहेंगे, इतने करोड़ का होना चाहिए या किस तरह का ये आर्थिक पैकेज? देखिए, ये निर्णय हिमाचल सरकार को करना है कि उनकी कितनी ज़रूरत है, कितना घाटा है, और उसके मुताबिक वो उस पैकेज को मांगे। और मैं मुख्यमंत्री जयराम जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले में हम आपके साथ हैं। आप अगर हिमाचल के लिए कुछ बड़ा पैकेज मांगते हैं तो निश्चित तौर पे हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन आप हिम्मत जोर जुटाएं, क्योंकि वो अक्सर प्रधानमंत्री के सामने बोलते नहीं हैं। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच।